तुम YouTube पे बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी व्यूज 10, 20 या 100, 200 से ऊपर आ ही नहीं रहे। ऐसे में तुम्हारा ये सवाल तो जरूर होगा कि क्या हमारा ये YouTube चैनल डेड हो चुका है, या फिर YouTube हमें प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है। और अगर प्रमोट नहीं कर रहा है या हम डेड हो चुके हैं, तो क्या हमें न्यू चैनल बनाना चाहिए या फिर इसी चैनल को ग्रो करने के लिए कंटिन्यू करना चाहिए? वेल, इसका आंसर येस या नो में नहीं दे सकते, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। इस वीडियो के एंड में आपको सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आपको सोल्यूशन समझ में आ जाएगा, बस आप अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेना और फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि आगे आपको क्या करना है। वैसे YouTube 2024 में न्यू क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। आपने देखा होगा आपके फीड पर न्यू क्रिएटर्स की वीडियोस आती हैं, जिसपे बहुत ही कम व्यूज होते हैं, यानी कि YouTube इसको रिसेंटली प्रमोट कर रहा है। और आपको ये भी दिखा होगा कि न्यू क्रिएटर्स रातों रात वायरल हो जाते हैं, वो स्टार बन जाते हैं और उनकी कोई एक वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्टेप ग्रो, डिकोडिंग YT, सकलैन खान, जेंजी वे, इन लोगों को देख सकते हैं। इनकी फर्स्ट वीडियो ही वायरल हो गई थी, लेकिन ये चीजें पहले नहीं होती थी। आप कैरी मिनाटी को जानते होंगे, जो आज एशिया के टॉप क्रिएटर्स में से आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनको 150 सब्सक्राइबर पूरे करने में पूरे 2 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया था। इसीलिए आज के टाइम में ग्रो होना बहुत ज्यादा ईजी है पहले के टाइम से अगर कंपेयर किया जाए तो। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे तुम्हारे न्यू चैनल पर भी व्यूज नहीं आएंगे, वो हमने वीडियो के आगे बताया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर YouTube न्यू प्रमोशन कर क्यों रहा है, आखिर न्यू चैनल्स को क्यों प्रमोट कर रहा है इतना ज्यादा। तो देखो, ये सारा फंडा है एडसेंस का। YouTube के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बड़े क्रिएटर्स को और सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं, या फिर छोटे और न्यू क्रिएटर्स जो आ रहे हैं उनको प्रमोट करें। अब YouTube यहाँ पर अपना फायदा देखता है। आपने ये चीज तो नोट की होगी कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज ना भी हो, फिर भी आपके चैनल पे एड्स आ जाते हैं, इसका फायदा YouTube उठाता है। अब अगर YouTube बड़े और ओल्ड क्रिएटर के चैनल पे अगर एड चलाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो उनको रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा, जिसमें YouTube का थोड़ा सा लॉस है। लेकिन वहीं अगर दूसरी जगह पर जो चैनल मोनेटाइज नहीं है, वहां पर उनको कोई भी एड रेवेन्यू शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप ही बताइए, आपके पास 2 बंदे आते हैं और एक कहता है कि मैं आपके काम करने के लिए इतने पैसे लूंगा, और एक आदमी कहता है कि मैं सेम काम करके दूंगा लेकिन कोई भी पैसा नहीं लूंगा, तो आप किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली जब काम सेम मिल रहा है तो मैं फ्री वाले के पास ही जाऊंगा, और आप भी जाएंगे वहीं पर। और YouTube भी वही कर रहा है, वो उन्हीं चैनल्स के ऊपर एड्स चला रहे हैं जो मोनेटाइज नहीं है, जिनके साथ उनको पैसा शेयर नहीं करना पड़ेगा। और यही रीजन है कि न्यू चैनल्स को भी प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि उन पर एड्स चल रहे हैं। उम्मीद है इतना तुम समझ गए होगे, लेकिन ये सुनने के बाद सीधा न्यू चैनल बनाकर वहाँ पर अपलोडिंग स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर भी व्यूज ना आए। लेकिन ऐसा क्यों होगा कि वहाँ पर व्यूज ना आएंगे? आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो आप बार बार कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए। तो आप गलती यहाँ पर ये करते हैं कि न्यू वीडियो अपलोड करके न्यू अकाउंट से आप उसके लिंक को हर जगह शेयर कर देते हैं, अपने दोस्तों को, अपने कजन को, यहाँ तक कि आप अपने पापा के फोन से भी अपनी ही वीडियो को देखने लग जाते हैं, ताकि व्यूज बढ़ जाएं। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। YouTube के एल्गोरिदम को ऐसा लगता है कि आपके पापा जिस न्यूज में इंटरेस्टेड हैं, ये वीडियो उसी की है। जैसे कि आपके पापा न्यूज या क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, और आपके पापा के फोन से आपने वो वीडियो पूरी देख ली है, तो YouTube को ऐसा लगता है कि ये वीडियो न्यूज या फिर क्रिकेट से रिलेटेड है। और इसीलिए YouTube आपकी वीडियोस को उन्हीं लोगों तक प्रमोट करता है जो क्रिकेट या न्यूज देखते हैं, और आपका वीडियो चला जाता है गलत ऑडियंस के पास। अब एग्जांपल के लिए एक और देखते हैं कि आपका फ्रेंड या आपका दोस्त या आपका भाई, जो भी आप जिसको भी लिंक शेयर करते हैं, वो देखता है गेमिंग रिलेटेड वीडियोस और उसको गेमिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी वीडियो गेमिंग नहीं एनिमेशन से रिलेटेड है, तो फिर ऑडियंस फिर से चेंज हो जाएगी। आपका YouTube वीडियो जो है वो प्रमोट हो जाएगा गेमर्स के पास, लेकिन आपकी जो एक्चुअल ऑडियंस है वो तो एनिमेशन वाली है ना। और इसी वजह से न्यू चैनल होने के बावजूद आपकी ग्रोथ नहीं होती, बल्कि आपका डाउनफॉल ही हो जाता है उल्टा। अब तुम्हारी वीडियो रॉन्ग ऑडियंस तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसे सही ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को, सारी चीजों को चेंज करना होगा, और उसे बहुत ही रिसर्च के साथ ऐड करना होगा। ये आपके वीडियो पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आती है, और इसी की वजह से आपकी ऑडियंस सही चूज हो पाती है। इन सब के लिए आपको समझना होगा कि YouTube SEO क्या होता है और उसे किस तरीके से इंक्रीज किया जाए। उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि YouTube SEO को आप किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद YouTube आपकी वीडियो को सही ऑडियंस तक तो पहुंचा देगा, लेकिन उसके बाद आपको क्लिक्स भी तो चाहिए होंगे अपनी वीडियो पे। लोग जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक व्यूज कैसे बढ़ेंगे? इसके लिए आपको टाइटल और थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और इजी टू रीडेबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इस टॉपिक पे जरूर वीडियो लाएंगे। लेकिन सिर्फ क्लिक करने से ही काम चलने वाला नहीं है। आपको वीडियो की बोर ना हो जाए, लोग आपकी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए प्रोवाइड करना होगा एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी एडिटिंग स्टाइल, एक अच्छा वॉइस ओवर। इन सारी चीजों को मिक्स करके आपको बनानी होगी वीडियो, जिससे कि लोग आसानी से एंजॉय कर पाए, ना कि उससे बोर हो जाए। ये तो थे न्यू वीडियोस के ऊपर की बात, कि न्यू वीडियोस और न्यू चैनल के साथ कैसे वर्क करना है और कैसे इस पे आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद हम बात करते हैं ओल्ड चैनल की। ओल्ड चैनल में हम 2 पार्ट्स रखते हैं, पहला वो जिनके 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, और दूसरा वो जिनके 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। पहले जो 1000 से कम सब्सक्राइबर वाले हैं, जिनके व्यूज 100-200 से भी कम आते हैं, 50-60 ही आते होंगे, वो भी आपके गिने चुने दोस्त या रिश्तेदार ही देखते हैं, ऐसे में आप न्यू चैनल बना सकते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपके चैनल पे ये होता है कि आपकी वीडियो को फ्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि उस पर कोई भी व्यूज लॉन्ग टाइम से देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि वही रॉन्ग ऑडियंस तक पहुंच जाती है आपकी वीडियोस आपके दोस्तों के देखने की वजह से।
तो ऐसे में आप न्यू चैनल बना सकते हैं जो कि अच्छा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वही चैनल ग्रो हो जिस पे आप पहले से काम करें, क्योंकि आप उस पे 6 महीने या 7 महीने से पहले ही काम कर चुके हैं और आप अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो ऐसे में आप उस पे काम कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और आपका चैनल फ्रीज ही रह जाता है। ऐसे में मैं आपको एक टिप दूंगा, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो चैनल पर आपने पहले वीडियोज़ बनाई हैं आप उन्हीं को अपलोड कर सकते हैं न्यू चैनल पर, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी में दोबारा उस वीडियो को बना सकते हैं अच्छी स्क्रिप्टिंग और अच्छे वॉइस ओवर के साथ, और आप उसे न्यू चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी मेहनत जो बर्बाद हुई थी उसके थोड़े से बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, और दूसरी आपकी एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो प्रमोट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे यूट्यूब पे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके 5 या 10 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आते, किसी तरीके से उनका चैनल फ्रीज हो गया है, या तो उन्होंने बीच में कॉन्टेंट चेंज कर दिया, या फिर वो अनकंसिस्टेंट हो गए किसी रीज़न की वजह से, किसी के एग्जाम्स आ गए या किसी की फैमिली ने परमिशन नहीं दिया, बहुत सारे रीज़न हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए अपने कॉन्टेंट को थोड़ा सा चेंज, या फिर आपको रीब्रांडिंग करनी चाहिए अपने चैनल की। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है थगेश भाई के। व्यूज जब गिरने लगे थे, उनका चैनल डेड होने वाला था, तभी उन्होंने द थगेश शो लॉन्च कर दिया। इसमें उन्होंने यही किया कि न्यू चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करी और न्यू शोज को बनाया, जिससे कि उनके चैनल पर रीच वापस आ गई और उनका डाउनफॉल होने से बच गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका पहला एक्सपेरिमेंट ही आपको कामयाब कर दे, इसका बेस्ट एग्जांपल थगेश भाई ही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले रोस्टिंग स्टार्ट करी, उन्होंने काफी सारे स्केच वीडियोस भी बनाए, लेकिन उन चीज़ों में उनको उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिली जितनी अच्छी ग्रोथ उनको थगेश शो में मिली थी। तो आपको एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो आप ये मत सोचो चलिए कि 1 या 2 अटैम्प्ट के बाद ही आपका सब कुछ काम हो जाएगा, आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। तो इसी को रीब्रांडिंग कहते हैं, आप अपने चैनल के ऊपर अलग अलग कंटेंट को ट्राई करते हैं और आपको एक ऑडियंस मिल जाती है जो आपके कंटेंट को देखती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने नीश से नहीं भटकना है, आपकी जो नीश है आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। एग्जांपल के लिए अगर आप गेमिंग चैनल पर काम कर रहे हैं और आपको चेंजेस करने हैं तो आप दूसरे गेम्स को खेल सकते हैं क्योंकि आपकी ऑडियंस गेमिंग वाली ही रहने वाली है। लेकिन वहीं पर अगर आपका कोई एनिमेशन चैनल है तो उसके ऊपर आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से कि आपको एनिमेशन में ही कुछ अलग अलग बनाना होगा, आपको रिलेटेड रखना होगा एनिमेशन से ही। अगर आप एनिमेशन के चैनल पर व्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे तो लोगों को वो पसंद नहीं आएगा और आपका चैनल डेड ही रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू चैनल के साथ क्या करना है और ओल्ड चैनल के साथ क्या करना है। लेकिन अगर आपका कोई डाउट रह गया या कोई बात आपको दोबारा पूछनी है या कुछ ऐसा पूछना है जो वीडियो में हमने नहीं बताया, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब अगर तुम न्यू चैनल क्रिएट करने का सोच रहे हो तो पहले ही वहां पर जाके वीडियो अपलोड मत कर देना, उससे पहले भी कुछ करना, आप अपने ओल्ड चैनल पे कुछ वीडियोस को अपलोड करना, लेकिन अपनी इंप्रूवमेंट के साथ आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हुए वहां पर वीडियो अपलोड कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या क्या बदल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में भी सीखने के लिए मिलेगा। वैसे एक टिप दूंगा, स्टार्टिंग में आप उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं जो ट्रेंड कर रही है, यानी कि आपकी कैटेगरी में जो भी ट्रेंड चल रहा है आप उसी के ऊपर वीडियो बनाएं। वैसे देखा जाए तो यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म में ऑल चैनल्स और न्यू चैनल्स को एक समान प्रमोट किया जाता है, बस डिपेंड करता है कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरीके का है। सो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और आपको अगर एसईओ के बारे में अच्छे से जानना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो पे विजिट करके देख लीजिए, ताकि आपकी और हेल्प हो सके। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं जो भी आपका डाउट है, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे, या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिए, हम उस पर जल्द ही वीडियो लेकर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।